नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गैपुरा की कड़ौती नदी पर बना पुल दे रहा मौत को दावत। मिर्जापुर जनपद के गैपुरा विजयपुल संपर्क मार्ग के कड़ौती नदी पर बना पुल इन दिनों मौत को दावत दे रहा है। आपको बता दें कि गैपुरा से विजयपुर संपर्क मार्ग पर काफ़ी पुराना पुल बना है जो कई महीनों से क्षतिग्रस्त हो गया है। हर तरह के अधिकारी कर्मचारी उसी रास्ते से आते जाते हैं। पुल के बीच में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण गड्ढा बन चुका है जो मौत को दावत दे रहा है। जनपद के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत किया जाए। मरम्मत नहीं होने से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है जिसके जिम्मेदार कौन होगा। पुल के उस पार ब्लॉक मुख्यालय, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, उप डाकघर, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज आदि सरकारी कार्यालय हैं, फिर भी क्षतिग्रस्त पुल मुँह चिढ़ा रहा है। सतयात्रा न्यूज़ से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट, धन्यवाद। रेडी बताए दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा सतयात्रा न्यूज़ से। मिर्जापुर जनपद के गैपुरा क्षेत्र में इस समय मैं उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैपुरा और विजयपुर के बीच में एक नदी है जो कर्णावती नदी है, उस पर एक पुल बना है और पुल जो है लगभग 2-3 महीनों से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम आपको बता दें, इसी रास्ते से ब्लॉक मुख्यालय है और जो है कई इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं और हॉस्पिटल भी है। तमाम अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन इसी रास्ते से आते हैं और किसी की भी ध्यान इस पर नहीं पड़ रही है। और आपको बता दें, ये इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है कि जो आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में, आप देख सकते हैं जो गड्ढा बना है और ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। हम शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की जाए, अन्यथा बहुत बड़ी घटना घट सकती है। फिर इसकी जिम्मेदार कौन होंगे और प्रशासन स्वयं जाने। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, यहीं का बगल का गांव का निवासी हूं। यहीं जब इसी रास्ते से आप आते जाते हैं? हाँ, ज्यादातर इसी रास्ते से मेरा रोज का आना जाना। तो जो जिस पुल पे खड़े हैं वो पुल जो क्षतिग्रस्त है, कब से क्षतिग्रस्त है और क्या घटना घट सकती है? ये जब बरसात में बाढ़ आया था तभी से क्षतिग्रस्त चल रहा है। अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, इस पे कोई काम नहीं हुआ है, अनदेखा हो रहा है। इसी रास्ते सब आ जा रहे हैं, अधिकारी भी आ जा रहे हैं, सब आ जा रहे हैं। क्या लगता है कि इससे बड़ी घटना घट सकती है? बड़ी घटना का इसमें जान जा सकती है। अभी कोई बड़ी गाड़ी आएगी तुरंत ये बैठ जाएगा इस पे, यदि कई गाड़ी। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन जब अनदेखा करे तो शासन किसका केयर करना चाहिए जी? ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा, क्या नहीं जान रही सरकार? यहाँ प्रशासन नहीं देख रही है, आ जा रही है, इसको तुरंत संज्ञान में लेके इसके कार्य होना चाहिए। क्या नाम है? शिवम अग्रवाल। कहाँ है इस समय? इसमें हम कठोइया कर्णावती नदी पुल के पास है, विजयपुर गैपुरा मार्ग। ये जो पुल बना है बीच में क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या असुविधा होती है आप सबको? यहाँ असुविधा क्या है, कई घटनाएं घट चुकी हैं और शासन प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले घटना घटी हुई थी, पुल के बाहर गाड़ी चली गई थी। अच्छा। भोलों का हाथ पैर डेली टूटता है। ये कब से टूटा हुआ है? ये सालों से जी। अभी तो सुनने में आ रहा था कुछ दिन पहले कोई महिला इसमें गिर गई थी। हाँ, महिला गिर गई थी, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था जी। और डेली आते जाते कोई लगभग रोज का रोज। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन का? ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। इस पुल का मरम्मत हो, और काफी पुराना भी हो चुका है, इसके वजह से यहाँ मरम्मत किया है। बड़ी दुर्घटना आगे घट सकती है, इसके पहले इसके पे ध्यान दिया जाए।